वाराणसी में नमाज पढ़ने पर विवाद हुआ है। बीएचयू अस्पताल के बाहर नमाज पढ़ने पर विवाद, फोटो वायरल होने के बाद ये विवाद बढ़ा है। कुछ छात्रों ने बीएचयू प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है। वाराणसी से खबर सामने आ रही है, नमाज पढ़ने को लेकर के वाराणसी में विवाद हुआ है। बताया ये जा रहा है, ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, बीएचयू अस्पताल के बाहर एक शख्स के नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद हुआ है। फोटो वायरल होने के बाद ये कॉन्ट्रोवर्सी और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों ने बीएचयू प्रशासन से इस बारे में शिकायत भी की है। वाराणसी का पूरा मामला है, बीएचयू में नमाज पढ़ने को लेकर के अब विवाद गहराता जा रहा है। फोटो वायरल होने के बाद बीएचयू के स्टूडेंट्स ने बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में कंप्लेन भी की है। ये घटनाक्रम ये है कि हम लोग एक अपना अनुज है उसका रिपोर्ट लाने गए थे सीसीआई लैब का, हम जब वहाँ से लौट रहे थे रिपोर्ट लेकर, देखिए कि उसके जो गेट है सीसीआई लैब का सर सुंदरलाल चिकित्सालय में, उसके गेट पे कुछ एक व्यक्ति था जो कि नमाज पढ़ रहा था। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रतिबंध लगाया हुआ है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, तथापि वो पढ़ रहे थे। हमने तत्काल जो है वहाँ के कंट्रोल रूम को इस बात की सूचना दी और गार्ड फिर वहाँ गए और उन लोगों ने उसको मना किया कि ऐसा करना जो है वैधानिक है। तो हमने आज इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है माननीय चीफ कलेक्टर कार्यालय में चीफ कलेक्टर जी को कि ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए कि ये अपने जो सुरक्षाकर्मी उनको निर्देशित करें कि अगर ऐसे अस्पताल में ऐसी चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो उसको समझाया जाए, उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए, ताकि एक जिस तरह लुलू माल में हुआ उस तरह ये विवाद का केंद्र न बन जाए।